मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामईन, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। ख्वाबों की ताबीर में कुछ अफराद ने इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए मैसेज किए कि ख्वाब में मुसाफा लेने की क्या ताबीर है। अब वो किससे मुसाफा लिया जा रहा है उसकी अलग अलग ताबीर बताई गई, वो सुनते हैं। अगर ख्वाब में माँ से मुसाफा ले रहा है तो ये बड़ा मुबारक ख्वाब है। अगर बाप से मुसाफा ले रहा है तो इसकी भी ताबीर मुबारक है। अगर पीर और मुर्शिद से मुसाफा ले रहा है या किसी बुजुर्गान दीन से या नेक सिफत इंसान से या किसी आलिम से या इमाम से मुसाफा ले रहा है तो ये इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। उसे दौलत, इज्जत और शोहरत और बुजुर्गी मिलने वाली है, इसकी अलामत है। अगर बीवी से मुसाफा ले रहा है तो इसकी अलामत यह है कि बीवी का उसके साथ अच्छा उसने सलूक है और बीवी उससे राजी है। और अगर वो अपने बच्चों से मुसाफा ले रहा है तो बच्चे भी उससे राजी हैं और ये अच्छी अलामत है। इसी तरीके से अगर अजनबी औरत से मुसाफा ले रहा है तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह की पनाह गुनाह से मांगे, इसलिए कि अजनबी औरत से मुसाफा करना ये गुनाह है। कहीं वो किसी हराम काम में मुलविस ना होने वाला हो या होने वाला हो उसकी खबर देने के लिए ये ख्वाब बताया गया है। इसलिए ख्वाब आने वाले वक्त की रहनुमाई करता है, तो किसी अजनबी औरत से मुसाफा लेना ये गुनाह पर दलालत करता है। गुनाह में मुलविस होने वाला तो अपने आप को होशियार रखे। इसी तरीके से अगर उन औरतों से मुसाफा कर रहा है जिनसे निकाह करना हराम है तो ये हुरमत वाले रिश्ते हैं तो इससे इज्जत मुराद है, लेकिन अगर इनके अलावा से मुसाफा कर रहा है तो ये गुनाह की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर औरत किसी पराए मर्द से मुसाफा कर रही है तो ये भी गुनाह की तरफ जाने वाली है, और अगर मर्द किसी पराई औरत से मुसाफा कर रहा है तो ये भी गुनाह की तरफ जाने वाला है। तो ये मुसाफा करना ख्वाब में इसकी यही ताबीर है। और मज़ीद डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आप उस पर अपने सवालात, अपने मसाइल और अपने ख्वाब और अपने इलाज के लिए अपनी रुदात भेज सकते हैं, उस पर जवाब दिया जाएगा या उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट भी करें ताकि लोगों तक सही बात, सही मालूमात पहुँचती रहे।